नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको किया सेल्टोस खरीदनी चाहिए या फिर हुंडई क्रेटा 2020 का वेट करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक जनरल ओवरव्यू की और दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स की, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपको सेल्टोस खरीदनी चाहिए या फिर क्रेटा 2020 का वेट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्टोस की डिमांड जो है इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो बुकिंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी जो वेटिंग पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। BS6 इंजन मिल जाते हैं 3 ट्रांसमिशन के साथ, और इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो क्रेटा है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है सेल्स में। इसके बेहतरीन फीचर्स और अट्रैक्टिव डिज़ाइन ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लिया, जिसकी वजह से जो क्रेटा है वो थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। और ऐसे में हुंडई जो है क्रेटा का नया अवतार लॉन्च करने की तैयारी में है 2020 में। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रेटा 2020 के कुछ जनरल मेजर फीचर्स के बारे में, कि क्या कुछ हमें किया सेल्टोस के कंपेरिजन में क्रेटा 2020 में मिलने वाला है। तो दोस्तों, सेल्टोस के डिज़ाइन को टक्कर देने के लिए क्रेटा हमें बिल्कुल नए फ्रेश अवतार में देखने को मिलेगी। नाम ही क्रेटा होगा लेकिन जो गाड़ी है वो बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग मॉडल में हमें क्रेटा देखने को मिलेगी। इसके जो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में हमें कैसेटिंग ग्रिल LED स्ट्रिप्स के साथ देखने को मिलेगी, और वहीं अगर हम बात करें टेल लाइट्स की तो ट्रायंगुलर LED टेल लाइट्स हमें इसमें देखने को मिलेगी। टेल गेट जो है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की तो नए अलॉय व्हील्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की तो सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड होगी नई क्रेटा 2020। वही अगर हम बात करें क्रेटा 2020 के कैबिन की तो हमें बिल्कुल नया लेआउट देखने को मिलेगा, इसमें हमें ब्लैक थीम बेस्ड इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो 10.4 इंच का वर्टिकल इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है। सेल्टोस की तरह ये गाड़ी भी हमें कनेक्टेड फीचर्स के साथ मिलेगी, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर हम बात करें रियर व्यू कैमरा की तो इसमें हमें 360 डिग्री रियर व्यू कैमरा भी देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम बात करें ब्लाइंड व्यू कैमरा फीचर की तो वो भी इस गाड़ी में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें हम सनरूफ की तो इस गाड़ी में हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की तो क्रेटा में हमें 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेंगे, लेकिन 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन पेट्रोल वाला वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें सेल्टोस की तो सेल्टोस में भी हमें लगभग ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, स्पेस की, डायमेंशंस की, तो इस मामले में भी दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर है। तो फिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको क्रेटा की वेट करनी चाहिए या फिर सेल्टोस को खरीद लेना चाहिए? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कारण के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सेल्टोस के डीजल वेरिएंट में हमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन नहीं मिलता। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हमें सेल्टोस में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन नहीं मिलता। वही अगर हम बात करें इसके पेट्रोल वेरिएंट्स की तो पेट्रोल वेरिएंट्स में हमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्रेटा में उम्मीद की जा रही है कि क्रेटा के सभी वेरिएंट्स में हमें जो टॉप एंड वेरिएंट्स जो है डीजल और पेट्रोल के, उनमें हमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपको गाड़ी खरीदने की जल्दी नहीं है और आप टॉप एंड वेरिएंट डीजल में खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप क्रेटा 2020 की वेट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किया अभी इंडिया में लॉन्च हुई है और इसकी सेल्टोस पहली ही गाड़ी है, तो ऐसे में किया को अभी भारत में पैर जमाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वहीं अगर बात करें हुंडई की तो हुंडई जो है सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर है इंडिया में, तो ऐसे में क्रेटा की जो रीसेल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सेल्टोस से ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी गाड़ी अगर नई लॉन्च होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में किया सेल्टोस की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ी में उनको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स में जो सिद्धार्थ जैन जी है वो लिखते हैं कि उन्होंने 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाई दिल्ली NCR में, 5 घंटे का उनका ट्रैवल टाइम था, और ऐसे में उनको हीटिंग इंडिकेशन आने लग गई सेल्टोस में। और वहीं अगर हम बात करें अगले कमेंट की तो मेहुल जी है वो भी सिमिलर लिखते हैं कि उनका जो गाड़ी का वेरियंट है वो भी GTX है और उनको भी सिमिलर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है और कंपनी ने अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया है। तो ऐसे से कुछ और भी कमेंट्स हैं जिनको हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है सेल्टोस में। तो ऐसे में अगर आप सेल्टोस खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, हो सकता है कंपनी इसका जल्द ही कोई सॉल्यूशन दे दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि किया जो है वो अभी रिसेंटली भारत में लॉन्च हुई है, और इनकी जो अभी प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। और ऐसे में अगर आप सेल्टोस खरीद लेते हैं और आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जो शैलेश जी हैं वो पिछले 2 महीने से अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी 3 दिन पुरानी और 2 महीने से उनकी गाड़ी जो है शोरूम में ही खड़ी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी की वेट कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा आप सेकंड कमेंट में भी देख सकते हैं, जो ओनर है उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि 15 दिन से उनकी गाड़ी शोरूम पे ही खड़ी है और अभी तक उनको कोई भी अपडेट नहीं मिला है कि पार्ट्स कब अवेलेबल हो पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम आफ्टर सेल सर्विस की, तो कंपनी के अभी इतने ज़्यादा डीलरशिप या सर्विस स्टेशंस अभी खुले नहीं हैं, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही जो सेल्टोस किया के जो शोरूम्स ओपन हुए हैं। अब बात करें अगर हम छोटे शहरों की, तो वहाँ अभी इतनी ज़्यादा इसकी सर्विस स्टेशन ओपन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, क्रेटा 2020 में हमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने की उम्मीद है, मिलने की उम्मीद है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ है जो हमें सेल्टोस में देखने को नहीं मिलता है, वो हमें क्रेटा 2020 में मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थे सारे वो कारण जिनकी वजह से आपको क्रेटा की वेट करनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आपको सेल्टोस खरीद लेनी चाहिए। तो अगर आप गाड़ी जल्दी खरीदना चाहते हैं या फिर आपको बेस वेरिएंट खरीदना है, तो आपके लिए सेल्टोस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बेस वेरिएंट में दोनों ही गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। जो भी डिफरेंसेस आने वाले हैं क्रेटा 2020 और सेल्टोस में, वो टॉप एंड वेरियंट्स में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइसिस की, तो सेल्टोस का प्राइस जो है बेस वेरियंट का वो 10 लाख कम से स्टार्ट होता है, और वही माना जा रहा है कि क्रेटा 2020 का जो बेस वेरियंट का प्राइस है वो 10 लाख प्लस से स्टार्ट हो सकता है। ऐसे में क्रेटा का बेस वेरिएंट आपको ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो टैक्सीज हैं वो 10 लाख प्लस वाली गाड़ी पे ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट्स भी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सेल्टोस एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे 6 एयरबैग सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको सेल्टोस खरीदनी चाहिए या फिर क्रेटा 2020 का वेट करना चाहिए। तो ऑटो वर्ल्ड सेल्टोस क्रेटा की हर मेजर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।